स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास का स्पोर्ट्स पोस्ट पे आप लोगों के साथ जुड़े हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ बी ने उन सभी स्पेकुलेशन को विराम देते हुए भारतीय टीम के कोच का जो है नाम फाइनल कर दिया है और जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार ये है कि राहुल द्रविड़ भारत के एज अ हेड कोच बने रहेंगे वर्ल्ड कप 2024 तक यानी कि जो टी वर्ल्ड कप होना है उस त, वहां तक वो एज अ हेड कोच बने रहेंगे उनके साथ साथ जो उनका सपोर्ट स्टाफ था उनका भी कार्यकाल को एक्सटेंड किया

पर अभी इन सब चीजों के बीच ये बातें हो रही थी कि जो राहुल द्रविड़ है वो भारत की जो हार हुई थी वर्ल्ड कप में फाइनल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था वो काफ़ी डिसअपॉइंट थे और उनका जो दो साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी खत्म हो चुका था पर उसके बाद आशीष नेहरा से बातचीत की गई जो रिपोर्ट्स के अनुसार ये कि आशीष नेहरा ने बी का ये जो ऑफर था हेड कोच का उसको ठुकरा दिया और उसके बाद से अब यहाँ पर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि राहुल द्रविड़ ही बने रहेंगे हेड कोच अब इसके पीछे ये समझते कि राहुल द्रविड़ ही क्यों बाकी और किसी को क्यों नहीं ट्राई किया गया इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं पर जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार ये है कि वर्ल्ड कप 2024 जो जून में होना है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा ये टी का वर्ल्ड कप उससे पहले भारत के पास 11 टी ट्वेंटी मैच थे जो अभी पाँच मैचों की सीरीज हो रही यानी कि उसके बाद मात्र छः मैच बचेंगे और छः मैच कोई भी हेड कोच आएगा और छः मैच उसको समझने में टीम को कॉम्बिनेशन बनाने में और टाइम लग जाता तो अब ये जो राहुल द्रविड़ है वो पिछले दो साल से भारतीय टीम के साथ है इन खिलाड़ियों के साथ खेला एक कॉम्बिनेशन तैयार किया और भारतीय टीम अगर देखे पिछले कुछ महीनों में काफ़ी भी अच्छा परफॉर्म किया और भारत वर्ल्ड कप के फाइनल खेलकर आ रही है तो यानी परफॉर्मेंस अच्छा था अब इनके पास तैयारी के लिए इतने ज़्यादा मैचेस भी नहीं बचे थे तो उससे पहले अब जो बी का ये मूव है ये एक बहुत बड़ा मूव है क्योंकि एक कोच का एक्सटेंड किया गया भारत की हार के बाद और जहां स्पेकुलेशन चल रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण हो सकते हैं आशीष नेहरा हो सकते हैं रिकी पॉन्टिंग की भी बात हो रही थी पर इन्हीं इन सब स्पेकुलेशन को विराम देते हुए राहुल द्रविड़ यहाँ पर एज अ हेड कोच वापसी कर रहे हैं आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पाँच मैचों की सीरीज हो रही है जहाँ पर तीन मैच हो चुके हैं भारत अभी दो एक से आगे और दो एक से आगे चल रहा है और कल का जो मैच हुआ भारत की उसमें हार हुई लास्ट ओवर में जाके वो मैच आ, भारत की उसमें हार हुई पर अब देखना होगा अगले दो मैच हैं उसके बाद जो छ मैच बचेंगे टी के वर्ल्ड कप से पहले उसमें आपको राहुल द्रविड़ ही आपको हेड कोच दिखेंगे और वहां पर बीसीसीआई की जो प्रेस रिलीज आई है आपको उसके बारे में बता देते कि बी ने क्या बोला है कि वहां पर जो रिलीज आई है उसके अनुसार द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI announced the extension of uh, contract for head coach Mr. Rahul Dravid and support staff of the team and the BCCI engaged in a productive discussion with Mr. Rahul Dravid after the uh, term of his uh, contract ended following the recently concluded ICC men's cricket. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 यानी कि काफी बातचीत के बाद इनके ये जो टर्म्स है उसको एक्सटेंड किया गया और जो अभी तक समझ में आ रहा है अभी ये बताया नहीं गया कि कब तक राहुल द्रविड़ का ये टेन्योर है जिसको एक्सटेंड किया गया पर माना तो यही जा रहा है कि दो जून 2024 जो वर्ल्ड कप होना है वहाँ तक के लिए आ, जो है आ, इनका टेन्योर को एक्सटेंड किया गया अब सवाल ये है अजीत अगरकर बीसीसीआई जो चीफ सेलेक्टर हैं उन सब के ऊपर सवाल ये है कि अब कोच का तो हो गया अब क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट कप्तान का होगा क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा टी का नहीं है और हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालते हुए नजर आए पर अभी तक हार्दिक पांड्या को ऑफिशियल के रूप में यह नहीं बताया गया कि आने वाले 2024 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या एज ए कप्तान होंगे या फिर रोहित शर्मा होंगे अब यह ये, ये उम्मीद की जा रही है कि कोच के बाद कप्तान की बारी है कि बीसीसीआई जल्द ही उसका अनाउंसमेंट कर सकती तो यह थी बड़ी खबर आपको हमने बताया कि राहुल द्रविड़ जो इंडिया टीम के हेड कोच के रूप में उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे जैसे ही क्रिकेट जगत से कोई भी बड़ी खबर आती खेल से जुड़ी आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे अभी के लिए दीजिए इजाजत और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश का स्पोर्ट्स पोस्ट